एक बार महात्मा बुद्ध अपने भक्त किसान के घर गए। अगली सुबह उस व्यक्ति ने अपने ही गुरुजी के प्रवचनों का प्रबंध किया। महात्मा बुद्ध का प्रवचन सुनने के लिए गांव के सभी लोग आए, परंतु उस महात्मा का भक्त किसान प्रवचनों के समय वहां मौजूद ही नहीं था। गांव के लोग ये देखकर हैरान हुए और कहने लगे, कैसे इस व्यक्ति ने गुरु और उसके प्रवचनों का अपमान किया। प्रवचन खत्म होने के बाद सभी लोग अपने अपने घर चले गए। शाम को जब किसान घर लौटा तो महात्मा ने पूछा, कहाँ चले गए थे, सभी लोग तुम्हें पूछ रहे थे। किसान ने बड़ी नम्रता से कहा, गुरुजी मैंने आपके प्रवचनों का सारा प्रबंध कर दिया था, पर उसी वक्त मेरी भैंस बीमार हो गई। पहले मैंने घरेलू दवा से ठीक करने की बहुत कोशिश की, परंतु उसकी तबीयत ज्यादा खराब होने लगी थी, तो मुझे उसे पशु चिकित्सक के पास लेकर जाना पड़ा। गुरुजी अगर मैं सही समय पर उसे चिकित्सक के पास लेकर नहीं जाता तो उसकी मौत हो जाती। आपके वचन तो मैं बाद में भी सुन सकता था। अगले ही दिन जब गांव वालों ने महात्मा बुद्ध के पास आकर किसान की शिकायत करते हुए कहा, गुरुजी यह आदमी कितना लापरवाह है, इसने आपके प्रवचन की परवाह ना करते हुए यह घर से बाहर रहा, ये तो आपका भक्त होने का दिखावा करता है। इसके बाद बुद्ध ने गांव वालों को सारी कहानी बताई और कहा, कैसे इस भक्त ने वचन को महत्व ना देते हुए कर्म को महत्व दिया और ये साबित करके दिखाया कि कैसे उसने मेरे वचनों को अपनी जिंदगी में अपनाया है। अगर ये किसान अपनी बीमार भैंस को छोड़कर मेरे प्रवचनों को सुनने लगता, शायद भैंस मर जाती, तो इससे मेरे प्रवचनों का कोई महत्व नहीं रहता। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हो गया था कि कैसे उन्होंने बिना सोचे समझे उसे बुरा भला कहा। इसलिए दोस्तों, अच्छे विचारों को केवल सुनने तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए, उन्हें अपने जिंदगी के कार्यों में भी अपनाना जरूरी होता है।